हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें कि डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइंस कम्युनिकेटर हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम के, जहां से आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज चंद्रयान जो है वो लैंड करने वाला है चांद पर, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, कितनी बड़ी ये बात होगी देश के लिए। ये हर भारतीय का क्षण है। प्रतिमा प्रदान या फिर अन्य माध्यमों से या कार्टून के माध्यम से पढ़ते और देखते आए हैं, जब अवसर हो खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने का ज्ञान कौशल युक्त चंद्रयान भारत के तिरंगे को फहराने जा रहा है जी। ये वो दिन है जो पूरे देश के करोड़ों जो युवा हैं या जो भी हमारे भारत प्रेमी लोग हैं दुनिया के जी, उनके लिए आज ये अद्भुत दिन सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि आज भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित चंद्रयान भारत के ज्ञान परचम को चंद्रमा की सतह पर फहराने जा रहा है। और यह दिन हमारे देश के करोड़ों युवाओं को एक प्रेरणा देगा कि देखिए, विज्ञान के द्वारा हम दुनिया के आत्म कल्याण, जो कि हमारे भारत की एक इनहेरेंट एक प्रकार की आदत है, सदियों से चली आई कि हम दुनिया के भले का काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम चंद्रमा पर चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भेजने में आज सफल होने वाले हैं। और इसके आधार पर हम देश दुनिया को ऐसी चीजों के बारे में खोजें और आके अन्वेषण करके वहां पर ईंधन या फॉसिल हो सकता है या पानी किसके स्वरूप में वहां मौजूद है या खनिज या क्या जीवन की कल्पना के रूप में क्या भविष्य में वहां बस्तियां बसाई जा सकती, ऐसे अनेक विषयों के उत्तर देने के लिए हमारा चंद्रयान आज चंद्रमा की सतह पर दस्तक देने जा रहा है। और ये मेरे आप भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है और हिंदुस्तान के तमाम युवा आज बहुत ही आह्लादित हैं, आज बहुत खुश हैं हमारे वैज्ञानिकों के इस ज्ञान कौशल के सफलता के ऊपर जी। सुशील द्विवेदी, जिस तरीके से आपने बताया कि देश के लिए बहुत ही मान की बात है, हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। जे ओलिवर पादरी हैं, उनसे भी जानेंगे, और साथ ही साथ जफर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे जिस तरीके से आज देखा जा रहा है जी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सब धर्म के लोग एक साथ खड़े होकर के, एकजुट होकर के एक भारत का प्रतीक बन रहे हैं। जिस तरीके से जफर नकवी जी आपके पास आएंगे, सबसे पहले आपसे जानेंगे जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी लखनऊ से, जहां पर लोग नमाजें अदा कर रहे हैं, साथ ही साथ दरगाह पे देखा कि चादर जो है वो चढ़ाई जा रही है और मन्नतें मांगी जा रही है कि चंद्रयान 3 आज जो है वो लैंड कर जाए, क्या कुछ बताएंगे आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये देश के लिए गौरवान्वित समय है कि देश को गौरवशाली इतिहास में एक और ऐतिहासिक क्षण जोड़ने का समय है कि आज हम चंद्रयान 3 के सफल जो है उस पर लैंडिंग के लिए तैयार बैठे हैं। और पूरा देश हर तरह से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो सब दुआएं कर रहे हैं कि देश के गौरवान्वित पलों में एक पल और बेहतरीन जुड़ने वाला है। और यकीनन हम खुदा से भी दुआ करेंगे कि 2009 से जैसे आगाज हुआ था, आगाज के बाद ये तीसरा हमारा चंद्रयान का तीसरी लैंडिंग है। वो इत्तेफाक था कि सेकेंड लैंडिंग हमारी तापमान और कुछ ऐसे दबाव के कारण वो जो है हम उसको सफल लैंडिंग नहीं कर पाए, लेकिन यकीनन मुझे ये लगता है कि ये वो समय है, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसमें हम देश के सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम देश की चौथी ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ चौथी ऐसी तकनीकी व्यवस्था भी है कि जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि देश का गौरवशाली इतिहास में एक और पन्ना, सुनहरा पन्ना जुड़ने वाला है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और इसरो की तमाम टीम के, शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम उन नुमाइंदों को जिन्होंने छोटे से स्क्रू तक का काम किया, और जो आज ये वो क्षण है जिसमें हम अपने अब्दुल कलाम आजाद साहब को भी जो है मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनकी एक साइंटिफिक एक अप्रोच थी आज, जिसकी वजह से हिंदुस्तान इस तरह के मुकाम पे पहुंच रहा है। और यकीनन खुशी की बात है, और हम सब लोगों को बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के इसमें मुकम्मल तरीके से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश का ऐतिहासिक क्षण है। देश के लिए मुकम्मल तरीके से चंद्रयान 3 वो नायाब पल लाने वाला है जिसमें देश अपने को चौथे टॉप लेवल के, साइंटिफिक लेवल के लोगों में, अप्रोचेस में हम अपने आप को काउंट आउट करेंगे। और यकीनन जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सबसे भी मेरी यही दुआ होगी, और तमाम वो लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि के न्यूज हमेशा एक ऐतिहासिक पलों को अपने संजोने का काम करता है, तो के न्यूज के इस संजोते हुए पल को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। के न्यूज भी इसमें सहभागिता अपनी शामिल कर रहा है, और यकीनन देश के प्रधानमंत्री इसके लिए और तमाम इसरो की टीम इसके लिए मुबारकबाद की हकदार है। और बाकी जो भी सवालात
और जो भी लोगों के दिमाग में जो भी चीजें ऐसी आती हैं कि आज ऐसा हो गया, चंद्रयान दो की अनसक्सेसफुल स्टोरी को लोग सुना रहे, हर नाकामयाबी के पीछे कामयाबी होती है, इसको याद रखना होगा। अगर हम नाकामयाब हुए हैं तो वो हमें सीख दे गया। कल वो 3750 किलो केजी का जो आज चंद्रयान टू गया था, सिर्फ 50 केजी एक्स्ट्रा एड ऑन करके सफल लैंडिंग करने वाले, और 2009 को भी नहीं भूलना है। तो ये कहेगा कि 2009 में हमने कुछ नहीं किया, 2009 को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारी पहली आगाज 2009 की थी। 2008 से 2009 का वो सफर, वो खूबसूरत सफर था कि जब हिंदुस्तान ने 47 से सुई से स्टार्ट करने के बाद आज हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग कर रहे हैं, तो यकीनन तमाम वो लोग जो इस साइंटिफिक लाइन में आए, तो तमाम वो राजनीतिक संगठन, तमाम वो पॉलिटिकल जो भी टीमें रही, हम सबको नतमस्तक होकर जो है हम लोगों को उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके हक में दुआएं करनी चाहिए कि उन्होंने आज हमारे हिंदुस्तान को बहुत मुकम्मल तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक पताका लहराने का काम किया है। जफर जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्कूलों में लाइव प्रसारण किया जा रहा है, और साथ ही साथ आज निर्देश जारी किए गए हैं कि मदरसों में भी इसका लाइव प्रसारण किया जाए, तो क्या किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, मदरसे में हो, मंदिर में हो, गिरजाघर में हो, और चर्च में हो, कहीं पे भी हो, ये तो देश का ऐतिहासिक पल है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को स्पेशल अंकित मत कीजिए, इस स्पेशल अंकित की जरूरत नहीं है। हम 5 मरतबा यही नमाज पढ़ते हैं, यही दफन होंगे, और यहाँ की जमीन पे ही अपनी आखिरी जो है सांसों को भी निपटाते हैं। तो मुसलमानों को स्पेशल ऑर्डर मत दिया जाए कि ये कर दीजिए। मुसलमान खुद से बहुत मोहब्बत करता है इस वतन से, 1857 के अभी भी उस पटल को कोई बदल नहीं पाया जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शहादत दी है। तो मुसलमानों को शहीद होने से भी देश में कोई गुरेज नहीं था, और हर मुसलमान को देश की हर उस कामयाबी से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी लज्जत मिलती है कि आज हमारा वतन इस तरह से कामयाबी पा रहा है। हम तो पाकिस्तान पे लोगों को आज घूम फिर के आना है कि पाकिस्तान में फलाने, तो पाकिस्तान पे लानत मुसलमान कल भी कर रहा था हिंदुस्तान का, आज भी कर रहा है, और आने वाले वक्त में हमारी नस्लें भी करेंगी, और हिंदुस्तान हमारा कामयाब हो, इसकी दुआएं हर मस्जिदों में मदरसे से होती आ रही है, इमामबाड़ों से हो रही है, तमाम आलिम दीन कर रहे हैं, कहीं नमाजों का पावन किया गया है, कहीं दुआओं का अहतमाम किया गया है, तो यकीनन देश का मुसलमान बड़ी मोहब्बत करता है। आप मदरसे में ना कहते तब भी चलता, आप एक फिक्स टाइमिंग दे दिए, ऐसे मदरसों में लोग बता रहे हैं, आलिम दीन बता रहे हैं, हाफिज़े कुरान बता रहे हैं कि आज हमारे देश के लिए यह ऐतिहासिक पल आने वाला है, तो यकीनन देश के मुसलमान बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हारिस साहब, ये आपके लिए भी ऐतिहासिक पल है कि आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप बहुत कामयाब इंशाल्लाह रिपोर्टर बने, इसकी आपके लिए दुआएं हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। जे पादरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जे ओलिवर जी हमारे साथ हैं, पादरी हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो है देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप? जे ओलिवर साहब, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? अनम्यूट कर लें। जी पादरी साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तब तक हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज लैंड करने जा रहा है, जिसको लेकर के देश से तमाम अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं सामने। आपको बता दें कि देश के तमाम लोग काफी उत्साहित हैं, आज जब चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा और सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी आए और देश को संबोधित करें। आपको बता दें कि इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं और वहां से इसरो की लाइव प्रसारण देखेंगे। तो आपको बता दें कि आज शाम को 6:04 पर इसरो लाइव प्रसारण करने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम देश के लोग उत्साहित हैं, साथ ही साथ दुनिया से देश को बधाइयां मिल रही हैं, तो भारत के लिए एक बहुत ही गौरव वाली बात है। साइंस कम्युनिकेटर हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से देखा गया था कि पिछली बार जब चंद्रयान 2 जब लैंड करने गया था तो वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था, तो क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ इस तरह की जो गलतियां जो रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, वो पूरी कर ली गई हैं और आज सफलतापूर्वक हम लैंड कर जाएंगे? बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों ने जो पिछली बार गलतियां हुई थी उससे सीख ली, और इसरो का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप पुराने सालों का रिकॉर्ड देखें कि नाकामियां बहुत ही कम हुई हैं और अधिकतर हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता की गाथा लिखी है। और
चूंकि ये पूरा जो मिशन होता है, आपने तकनीक रूप से इसको समझा भी होगा, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है, मतलब बहुत दूर से, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर से इस मिशन को अंजाम दिया जाता है कि किस प्रकार से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है कि कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी मिसमैचिंग हो गई, अगर पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हम और आप लोगों ने पिछली बार चंद्रयान 2 में देखी थी वो देखने को मिली। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों सुशील द्वारा किए गए। पहले जब रूस का भी जो लूना 25 था वो भी गया था और उसका मिशन भी जो है वो फेल हो गया था, तो क्या वजह है कि जो साउथ का जो जो उसका जो दक्षिणी ध्रुव है चांद का, वो उस पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? और अगर ये लैंड कर जाता है तो भारत वो पहला देश बन जाएगा, कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल, अभी तक साउथ जो पोल पर चंद्रमा के किसी और देश ने सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाई है, क्योंकि उसका एक कारण है कि एक तो ये पूरा जो साउथ पोल है वो अंधेरे में रहता है और वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जिसमें माना जाता है कि बहुत सारा ऐसे लिक्विड के रूप में भरे हुए हैं जो खनिज के रूप में हम लोग कल भविष्य में रॉकेट फ्यूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें अभी अनसुलझी हैं, या कई 100 मीटर ऊंचाई के पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, और इस कारण उसकी जो सरफेस है वो समतल नहीं है। और ये चूंकि पूरा मिशन एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत दूर से कंप्यूटराइज ढंग से अंजाम दिया जाता है, यही कारण है कि ये मिशन अभी तक और देशों ने इस पे सफलता नहीं पाई। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम इस कठिन काम को जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ये अपने हाथ में लिया है, एक हम नई इबारत को लिखेंगे, एक नई सदी का, नए चमकते हुए सुंदर शक्तिशाली भारत की जो कल्पना है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो देश के नीति नियंताओं ने, राजनेताओं ने और सभी लोगों ने देखा है कि हमारा देश दुनिया को एक नेतृत्व प्रदान करे, और उसमें हम सफल होंगे। और ये भारत की बहुत पहले से भावना रही है कि हम विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, और अगर हम साउथ पोल पर सफलतापूर्वक ईश्वर की कृपा से लैंड करने में सफल होते हैं, जो कि पूरी पूरी संभावना है, तो हम दुनिया को ऐसी चीजों के बारे में बताने में सफल रहेंगे जो भविष्य में विश्व कल्याण के लिए पथ प्रशस्त करेंगी, पथ आगे बढ़ाएंगी, मतलब कई सारी चीजों के बारे में हम अन्वेषण खोजों और नई जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे और भारत की दुनिया को एक देन होगी। ठीक, जफर आपके पास आएंगे क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी बात की जाती है तो धर्म और जो विज्ञान होता है उसको अलग अलग करके देखा जाता है, कई बार कहा जाता है कि विरोधाभास है दोनों में, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान जब आज सफल हो रहा है तो कहीं धर्म नीचे हो सकता है, या धर्म और विज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है? देखिए, यकीनन जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं वो ये कहता है कि कुरान में हर उस खुशको तर का जिक्र है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं या जिसकी आने वाले वक्त में कल्पना करेंगे। तो यकीनन सिर्फ कुरान की बात नहीं, मैं अनधर्म की किताबों को भी अच्छे से पढ़ता हूँ, चीजों को माइन्यूटली स्टडी करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हर धर्म की किताब ने आगामी होने वाले भविष्य की सारी जितनी भी औपचारिकताएं हैं, जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, उनके बारे में इशारों इशारों में बताया है कि ये चीज ऐसे ऐसे होने वाली है। क्या हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का भी जिक्र जैसे हमारे किताबों में है, वैसे कि गीता रामायण की किताबों में भी था कि आने वाले समय में जो है हम ऐसे टाइम ट्रेवल कर लेंगे। टाइम ट्रेवल का मतलब ये था कि हम हवाई जहाज से या फिर टेक्नोलॉजीज के जरिए से ऐसी चीजें कर लेंगे। तो यकीनन कुरान में हर खुश कोतर का भी जिक्र है, गीता रामायण में भी है, बाइबल में भी है और अन्य किताबों में भी है। ठीक है, तो यकीनन साइंस का आपके धर्म के साथ एक इन्वॉल्वमेंट होता है। हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, हम सनातनी बन जाते हैं, हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, हम सिख बन जाते हैं, या मुस्लिम आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, यकीनन सबकी किताबों में, सबकी कुतुब घरों में ये चीजें शाया है कि हर चीज खुश को तर का जिक्र है। और यकीनन साइंस जिस तरह से डेवलप कर रहा है वो कहीं ना कहीं अभी आप किसी पारे में जिक्र हो जाएगा कि हमने ऐसी चांद तक पहुंचने के लिए कोई चीजों का जिक्र था, कोई आयत का जिक्र हो जाएगा, कल किसी श्लोक का जिक्र हो जाएगा, और यकीनन आने वाले वक्त में इस लैंडिंग के बाद हमारे श्लोक भी आने वाले और आयतें भी आने वाली हैं कि आयत में इसका जिक्र था और वही कहेगा इस श्लोक में इसका जिक्र कर दिए कि हम तीसरी बार में चांद में पहुंच जाएंगे। तो यकीनन, और हम सब इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक दुआ करनी चाहिए कि यकीनन तौर पर हमारे देश को कल्याणकारी
जो स्कीम्स में है उसमें चंद्रयान की एक और जो है उपलब्धि आने वाली बिल्कुल है। जफर जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरीके से हमें सब मिलकर के एक सारे धर्मों को सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए कि आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो चांद पर लैंड कर जाए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जफर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम देखा कि आज जो है भारत के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है जब चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। इसी के साथ बहुत शुक्रिया।